हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गायत्री किचन। सभी को प्रणाम। तो चलिए बनाते हैं अंजीर की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। तो मैंने सबसे पहले ये अंजीर को, ये 13-14 पीस है, इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। और देखिए ये अच्छे से ये फूल गए हैं बहुत ही अच्छे से। तो ये देखिए, हाथों से आप इस तरीके से करेंगे तो ये सारा हो जाएगा। तो मैं ये सारे अंजीर को मिक्सी जार में डालकर और इसका ये पानी जो बचा है इसका पानी भी थोड़ा इसमें ऐड करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लेती हूँ। और ये थोड़ा पानी बचा के रख देती हूँ, ये पानी का बताऊँगी कि आगे क्या होगा। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए, अब इसे इस तरीके से, अब मैं एक फ्राई पैन में आधा कप सूजी को हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह रवा भी ले सकते हैं, पर सूजी से क्या है स्वाद और बढ़ेगा। तो इसे हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है धीमी आंच पे ही। तो देखिए ये हल्का ब्राउन होने तक मैंने इसे सूजी को भून लिया है। अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और एक कढ़ाई में मैंने 1/4 कप घी लिया है। अब घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। अब इसमें ये पीसी हुई अंजीर का पेस्ट इसमें ऐड करते हैं और धीमी आंच पे ही इसे अच्छे से चलाते जाना है। आप तेज आंच मत करिएगा गैस का, लो ही फ्लेम करिएगा। तो इसे धीरे धीरे ही इसे पकाते जाना अच्छे से। थोड़ा इसमें से जब खुशबू आ जाए तो सोचिए कि अच्छे से ये हो गया है। तो ये देखिए, ये अंजीर को मैंने अच्छे से पका लिया है और इसमें से थोड़ा घी छोड़ दिया है। अब ये एक कप में नारियल का बुरादा डाल रही हूँ। इससे क्या है अंजीर का स्वाद और बढ़ेगा और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे घर पर भी नारियल, अगर आपके पास सूखा नारियल है तो आप कद्दूकस आप घर पे निकाल सकते हैं। तो ये मैंने तरबूज का बीज लिया है, 1/4 कप है, ये मैंने मार्केट से लिया है। तो इसे भी इसमें ऐड करती हूँ और इसे अच्छे से चलाना है। अंजीर क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे हीमोग्लोबिन हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके हाथ पैरों में दर्द है तो वो सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। अब इसमें मैं भुनी हुई सूजी इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से ही सूजी को ऐड कर देना है और धीमी आंच पे इसको चलाते जाना है। और जो मैंने अंजीर का पानी बचाया था अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी को आपको फेंकना नहीं है, अब इसमें ऐड करते जाना है। और इस तरीके से मैंने इसे चला लिया है। अब 1/4 कप मैंने बारीक इस तरीके से गुड़ ले लिया है और इसे छोटा छोटा पीस में कट करके इसमें मिला दिया, क्योंकि ये गर्म है तो गुड़ अच्छे से मिल जाएगा। और इसमें 1 चम्मच स्वाद के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसमें अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं, सौंठ बोलते हैं, वो भी आधी चम्मच डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं डाला है। और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है और सेहत के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद होता है। खून की कमी है अगर किसी को, तो आप रोज़ाना 1 चम्मच इसे बनाकर डब्बे में किसी रख सकते हैं और फ्रिज में रख कर 1 चम्मच रोज़ दीजिए, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए मैंने सर्व के लिए इस तरीके से मैंने लगाया है। तो इस अंजीर का स्वादिष्ट रेसिपी आप बनाइए और सभी को खिलाइए, बच्चों बूढ़ों सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसे खून की कमी है तो वो ज़रूर 1 चम्मच खाएगा, तो उसे सेहत के लिए भी फायदेमंद है और खून भी ज़रूर बढ़ेगा। तो इस तरीके से रेसिपी आप भी बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।